हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वेक्टर्स को स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स के अंदर 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिन्हें हम 2 क्वांटिटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। क्या वो स्केलर टाइप की क्वांटिटी है कि वेक्टर टाइप की? 7 फिजिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये जो फंडामेंटल टर्म्स हैं ये आपस में मिलकर कुछ और टर्म्स को बनाती हैं। टर्म्स का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, जैसे मुझे इस हाइलाइटर की लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैं 4 घंटे से एक लेक्चर शूट कर रहा हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर 2 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करके एक और बन जाती है वो डिराइव्ड क्वांटिटी। चाहे फंडामेंटल हो चाहे डिराइव्ड हो, उन्हें हम 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर किन्हें कहा जाता है? वो सभी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम स्केलर कहते हैं। स्केलर का मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड मतलब किसी क्वांटिटी के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है। एक एग्जांपल समझिएगा, ठीक है, किसी एक पर्सन ने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने 20 किलोमीटर का पाथ ट्रैवल किया। अब ये पाथ ट्रैवल करते हुए कौन सी डायरेक्शन में गया ये क्लियर नहीं है, तो ये क्या है, उसके पास सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है। अगर इसी चीज़ को वेक्टर की टर्म में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं, किसी एक पर्सन ने 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट ट्रैवल किया, तो वो 20 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड है एंड टूवर्ड्स ईस्ट उसकी डायरेक्शन है। तो जब हम दोनों चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, न्यूमेरिक वैल्यू एंड डायरेक्शन, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब कुछ और एग्जांपल समझते हैं। वर्क एक तरह का, हम लोग पहले पढ़ चुके होंगे वर्क के बारे में, वर्क एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मैंने अपनी बॉडीज़ का, हमने अब क्या 20 जूल्स की एनर्जी का यूज़ करके कोई काम किया, कोई वर्क किया, अभी किस डायरेक्शन में यूज़ हुई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट जो है 60 किलोमीटर पर आर, कोई कार 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मूव कर रही है लेकिन आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं किया हुआ है, तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, डायरेक्शन नहीं बताई जाए, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन एक एरो से किया जाता है, ओके। और ये जो एरो है इसमें आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक होगा उसका टेल और एक होगा उसका हेड। हेड जो है वो हमेशा डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगी, और टेल से हेड के बीच की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को ऑन स्केल। मैं ऑन स्केल का मतलब समझाता हूँ। जैसे मैंने ये कहा कि कोई एक फोर्स को वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करना है, फोर्स इज़ ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको ज़रा यहाँ देख सकते हो, ये जो हाइलाइटर है इसके ऊपर मैं फिंगर से कुछ मान लेते हैं 2 न्यूटन का फोर्स, एक कुछ भी अमाउंट का फोर्स लगा रहा हूँ 2 न्यूटन का फोर्स, और ये ऐसे करके डिस्प्लेस हो गया, ऐसे करके मूव कर गया। तो जो फोर्स की वजह से आप देख रहे हो इसका मूवमेंट एक फिक्स डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब इस फोर्स के पास कोई एक डायरेक्शन है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अब ज़रा यहाँ देखते हैं, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, अब ज़रा इधर समझना है कि ये लेंथ जो है वो सेंटीमीटर के हिसाब से नहीं बात करते, हम ऑन स्केल जो है रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि 100 न्यूटन के फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो हम क्या करेंगे, एक एरो बनाएंगे। अब इसकी लेंथ को मैं रख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर, और मैं स्केल लिख दूंगा कि 1 सेंटीमीटर 100 न्यूटन के बराबर है। अगर मैं 2 सेंटीमीटर बनाऊंगा तो 2 सेंटीमीटर 200 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, आपको सिर्फ ये बताना है इनमें से किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, दोनों की डायरेक्शन तो सेम है। अब क्लियर क्या है, जिसकी लेंथ ज़्यादा वेक्टर की उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। सिमिलर वे में आप ज़रा नेक्स्ट नीचे देखो, एक एग्जाम्पल और, फोर्स है 100 न्यूटन का जो ईस्ट की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स वेक्टर के लिए जो एरो, टेल से एरो तक की लेंथ होगी, हेड तक की लेंथ होगी, वो मैग्नीट्यूड होगा और ये इसकी डायरेक्शन।
किसी भी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम उसके लिए एक वेरिएबल असाइन करते हैं और उसके ऊपर जब एरो रिप्रेजेंट कर दें, यहाँ पर जो ये एरो शो हो रही है इसकी वजह से कह सकते हैं इट इज़ अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, नीचे भी अब दो एग्जांपल्स को देखिएगा। अगर लिखा है वी इज इक्वल टू, वी कोई वेरिएबल है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड को। अब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है और ना ही इस वी वेरिएबल के ऊपर एरो रिप्रेजेंटेड है, तो ये स्केलर होगा, दैट मीन्स ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वी वेरिएबल के ऊपर एरो बनाई जाए तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, साथ ही साथ हम यहाँ पे उसकी डायरेक्शन को मेंशन भी करेंगे। अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं वेक्टर के रिप्रेजेंटेशंस को। बेसिकली वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में दो टर्म आती हैं। जैसे मैंने एक ए वेरिएबल लिया वेक्टर के लिए, अब अगर मैंने इसके ऊपर एरो शो नहीं करी है तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर मैंने वेक्टर ए लिया और इसके ऊपर एरो मैंने शो करी है लेकिन इसके दोनों तरफ दो वर्टिकल लाइन के अंदर इसे एनक्लोज कर दिया तो भी ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। इस दो वर्टिकल लाइन को मोडुलस या एब्सोल्यूट कहा जाता है। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखिए, अगर एक वेरिएबल पे एरो बना दी जाए तो ये वेक्टर होगा। जैसे लिखा है 14 यूनिट वेस्ट, कोई एक वेक्टर है 14 यूनिट का, ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ये डिस्टेंस हो, ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो, 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट वेस्ट में हो रहा है तो ये एक वेक्टर कहलाएगा। नाउ टाइप ऑफ वेक्टर्स, हम टोटल अभी 9 टाइप ऑफ वेक्टर्स को पढ़ेंगे। इक्वल, अनइक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर, कोप्लेनर, कंकरेंट, जीरो एंड यूनिट वेक्टर्स। सबसे पहले पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर्स को। जैसा कि हम अभी पढ़ ही चुके हैं, वेक्टर दो टर्म्स से मिलके बनता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं तभी दो वेक्टर्स को इक्वल कहा जाएगा, दो से ज़्यादा वेक्टर्स को इक्वल कहा जाएगा, दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल देखिए, V1 एंड V2, दोनों के लिए मैंने लिखा है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, टुवर्ड्स ईस्ट है, तो इसकी डायरेक्शन V1 और V2 की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने के कारण इन वेक्टर्स को कहा जाएगा इक्वल वेक्टर्स। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ अनइक्वल हो जाए, ठीक है, और या फिर दोनों ही अनइक्वल हो जाए तो ये अनइक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। जैसा कि यहाँ शो किया है, कोई एक V1 वेक्टर है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ एक्ट कर रहा है, एक दूसरा V2 वेक्टर है 5 मीटर पर सेकेंड साउथ की तरफ एक्ट कर रहा है, वैसे ये वेक्टर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। इन दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन के अलग होने के कारण हम इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल नहीं कह सकते, दे आर कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट है आपका पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट करें तो उन सबको पैरेलल वेक्टर कहा जाएगा। पैरेलल वेक्टर्स के केस में उन वेक्टर के बीच का एंगल जीरो होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि वेक्टर के बीच का एंगल कैसे मेजर किया जाता है। जब दो वेक्टर्स के एंगल नापने के लिए उनकी हेड और हेड को आपस में जोड़ा जाए या फिर टेल और टेल को आपस में जोड़ा जाए तो उनके बीच का जो एंगल है वो वेक्टर के बीच का एंगल कराएगा। जैसे कि मैं इस वेक्टर को, वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करा के ए के साथ ले आऊँ तो टेल और टेल जुड़ जाएंगी तो उन दोनों टेल के बीच में जो एंगल बन रहा है, और यहाँ अगर हेड और हेड को जोड़ूँ तो दोनों हेड के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को हम एंगल ऑफ द वेक्टर कहेंगे। इसको थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे पैरेलल शिफ्ट के टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट जो है आपका है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हों तो उन्हें हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा। कोलिनियर वेक्टर्स, अगर कोई भी दो वेक्टर जैसे ए बी, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं दो का ही एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कोई भी दो वेक्टर्स हैं ए और बी, अगर ये एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनकी डायरेक्शन एक ही लाइन में है तो इन्हें कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब है कोई भी दो वेक्टर अगर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, प्लेन का मतलब आप थोड़ा ऐसे समझ सकते हो, ये जो पेपर है ये एक प्लेन है, इसमें बनाए जाने वाले जितने भी एग्जांपल्स मैंने भी आपको दिए हैं, चाहे पैरेलल, एंटी पैरेलल, चाहे नीचे मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगा इक्वल अनइक्वल, ये सारे क्या एक पेपर पे बन पा रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। ज़रा समझिएगा, सपोज़ कि
मेरी ये दो फिंगर्स दो अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या ये एक पेज पे आ सकते हैं? देखिए ये इस पेज में लाई कर सकती हैं, ठीक है। अब मैं फिंगर्स चाहे ये दो ले लूँ, ये दोनों भी इस पेज में लाई कर सकती है, चाहे फिंगर के तौर पे मैं इन दोनों फिंगर्स को ले लूँ तो ये दोनों भी एक पेज पे लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो हमेशा कोई भी दो वेक्टर हमेशा प्लेनर को प्लेनर ही होते हैं। मैंने यहाँ जो ये एग्ज़ाम्पल दिया है ये एक मैंने प्लेन बनाया है, कोई भी एक प्लेन है पेपर की तरह समझ लीजिए, इस पे बनने वाले जितने भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है सारे कोप्लेनर होंगे, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल दिया कि इस पूरे पेज पे जितने भी एरो के टर्म्स में मैंने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किए सारे कोप्लेनर कहलाएंगे। तीन और तीन से ज़्यादा वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे समझिए ये तीन फिंगर्स हैं, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या ये तीनों एक पेज में आ सकती हैं? डेफिनेटली। लेकिन अगर मैं कहूँ ये तीन फिंगर्स हैं, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ ये थ्री फिंगर्स हैं, क्या ये तीनों एक प्लेन में आ सकती है? देखो ये दो आ सकती हैं, ठीक, ये दो आ सकती हैं, ठीक है, ये दो आ सकती हैं, तो ये नहीं आएगा, ये दो एक प्लेन में आएगी तो ये नहीं आएंगी, तो कोई भी दो तो ज़रूर आ जाएंगी, कोई ज़रूरी नहीं है थर्ड आए। आपने दो एग्जांपल्स अभी देखे, एक में तीन वेक्टर्स, अगर ये तीनों वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीनों एक प्लेन में आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। बट अगर दो वेक्टर्स की बात करें तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ये हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। कॉन्करेंट, जब कभी भी कोई भी वेक्टर्स, ठीक है, एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर एक बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें हम कॉन्करेंट वेक्टर्स कहते हैं। जैसे कॉन्करेंट वेक्टर का केस ज़्यादातर फोर्स फोर्स के केस में हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर कोई एक छोटी सी बॉल है, इस बॉल पे तीन तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है, एक F1, एक F2, एक F3, ठीक है। ये तीनों फोर्स कॉन्करेंट का है, कोई ज़रूरी नहीं है सारे पुल फोर्स हो, एक पुश फोर्स भी हो सकता है, ये सभी फोर्स को क्या कहा जाएगा? कॉन्करेंट फोर्स। जीरो वेक्टर या कॉन्करेंट वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं? जीरो वेक्टर्स वो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, ठीक है। जैसा कि एक मतलब समझिएगा कि ये जो हाइलाइटर है इस पर मैंने जीरो फोर्स लगाया, ठीक है, इस पर फोर्स जीरो लगाया, तो कहूँगा अ फोर्स वेक्टर ऑफ जीरो इज़ एक्टिंग ऑन द हाइलाइटर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जब फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज ही जीरो है तो इसका मूवमेंट कहीं भी नहीं होने वाला, तो इसकी कोई डायरेक्शन है ही नहीं, हम इसमें कोई भी डायरेक्शन, कोई इसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं, तो हम इसमें कोई भी आर्बिट्ररी आपको जो मन में आए वो डायरेक्शन ले सकते हो। तो हम ये ध्यान रखें जीरो वेक्टर हैज़ अ आर्बिट्ररी डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वन के बराबर हो। जैसे कहा जाए अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन एक्ट्स इन ईस्ट, तो इसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज वो वन है, तो उसका जो ये वेक्टर है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बेसिक यूटिलिटी है आपके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने की, और इसे शो किया जाता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जिस वेरिएबल से किया जा रहा है उसके ऊपर कैप से, जैसे ए कैप, बी कैप, एक्स, वाई कैप, जे कैप, आई कैप, के कैप, एक्सेट्रा। पैरेलल शिफ्ट, यही चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे पैरेलल शिफ्ट के टॉपिक में एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को। पैरेलल शिफ्ट का मतलब क्या है कि जैसे एक वेक्टर है वेक्टर ए, ये जो लेंथ है ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है इसकी टेल से हेड तक, और ए जो है उसका रिप्रेजेंटेशन एरो है तो वेक्टर। मैं इस वेक्टर ए को इसके पैरेलल किसी भी जगह पे शिफ्ट कर सकता हूँ, मतलब ये भी ए वेक्टर है ये भी ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करके आप यहाँ ला सकते हो, प्रोवाइडेड दैट ये डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। जभी तो हमारी शिफ्टिंग कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। ये मान लीजिए वेक्टर ऐसा था, अब मैंने ये पेन एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा, तो मैं इसे आगे कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो पैरेलल होना चाहिए पिछली टर्न पिछली रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है, इसे हम पैरेलल शिफ्ट कहते हैं। जैसे वेक्टर बी ऐसे एक्ट कर रहा है, अब इसके पैरेलल मैं इसे कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, पैरेलल शिफ्ट कहलाएगा, ठीक है। फोर्स के केस में जब हम पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, इसे मैं पैरेलल शिफ्ट करना चाहता हूँ तो पीछे शिफ्ट कर सकता हूँ, पीछे की तरफ शिफ्ट। पीछे की तरफ क्यों किया है?
देखो फोर्स के केस में शिफ्टिंग करते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए, फोर्स उसी ऑब्जेक्ट पर सेम बॉडी पे एक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से इसे शिफ्ट करके यहाँ कर दो, यहाँ पर किसी और बॉडी पे लगा दो, ठीक है। इन केस ऑफ फोर्स पैरेलल शिफ्ट में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फोर्स मस्ट एक्ट ऑन अ सेम बॉडी। नाउ एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो एंगल निकालना है तो वो हमेशा मेजर किया जाता है बिटवीन द हेड एंड हेड ऑफ द वेक्टर और बिटवीन द टेल एंड टेल ऑफ द वेक्टर। देखो या तो हेड और हेड के बीच में निकलेगा या तो फिर टेल और टेल के बीच में। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी, यहाँ पर ए और बी की आपस में टेल्स जुड़ी हुई हैं, तो ये जो एंगल है 90 वो एंगल बिटवीन द वेक्टर ही होगा। नेक्स्ट जो है आपका सेकंड, ए और बी के बीच में यहाँ एंगल दिया हुआ है 120, क्या ये एंगल बिटवीन द वेक्टर है? तो देखिए अगर मैं कहूँ वेक्टर ए की टेल से वेक्टर बी का हेड जुड़ रहा है तो हेड और टेल के बीच का एंगल एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं होता, तो पैरेलल शिफ्टिंग पड़ी थी। हम कर सकते हैं क्या इसे आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? ठीक है, आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। पैरेलल शिफ्टिंग में बस यही चीज़ ध्यान रखनी होती है कि डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो मैं इस बी वेक्टर को कुछ इस तरीके से शिफ्ट करूं कि ए के साथ उसकी टेल मिल जाए लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो, तो इसे आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए तो बी वेक्टर यहाँ बनेगा। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, ये 120 डिग्री, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल देखिए वैक्टर पी वैक्टर क्यू, इन दोनों के बीच में सिर्फ 20 डिग्री रिप्रेजेंट कर रखा है। तो देखिए हेड और हेड के बीच का एंगल है तो 20 डिग्री क्या होगा? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। भी ऊपर पड़ा था वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा हेड और हेड या फिर टेल और टेल के बीच में। आगे जाके तो हम और सारे केसेस में टेल और टेल के बीच में ही मेजर करेंगे। फोर्थ देखिए पी वैक्टर क्यू वैक्टर 140 डिग्री। अगेन देखो पी का हेड क्यू की टेल से मिल रहा है तो क्या ये 140 डिग्री एंगल हो सकता है? नहीं, तो इसे इस तरीके से मूव करो कि डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो, ठीक है, जिसे हम पैरेलल शिफ्टिंग कहते हैं। पैरेलल का मतलब एंगल वही रहेगा ना। पैरेलल शिफ्टिंग करी हमने इसकी तो देखो ये लीनियर पेयर बन गया स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला एंगल होना चाहिए ये 140, तो ये एंगल होना चाहिए 40 डिग्री। इसको मैंने यहाँ पर भी अलग से सभी डायग्राम के केसेस में समझाया है। देखो फोर्थ केस को दो तरीके से किया है मैंने, एक तो पी के पैरेलल शिफ्टिंग करी और एक केस में मैंने क्यू की पैरेलल शिफ्टिंग करी। जैसे ये वेक्टर था पी, ये था क्यू, यहाँ बन रहा था 140, क्यू को पीछे शिफ्ट कर लो तो क्या बनेगा? हेड और हेड, हेड और हेड के बीच का एंगल ये वाला, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन, एंगल कितना है 140 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 140 180 में से माइनस किया तो 40, क्योंकि लीनियर पेयर है इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, तो 40 डिग्री इज द योर एंगल बिटवीन वैक्टर्स, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी बी सी ए सी ए डी एंड सो ऑन, जितने दो पेयर्स बनेंगे उन सबके। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि ये कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ वेक्टर ए है जो कि यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, ये वेक्टर सी है हॉरिजॉन्टल के साथ 30, ये वेक्टर डी है हॉरिजॉन्टल के साथ 60, और वेक्टर ए इस तरफ एक्ट कर रहा है। अब मुझे तो एंगल ए और बी के बीच में भी निकालना है, ए और डी के बीच में भी, ए और सी के बीच में भी। अब कैसे निकाला जाए? जब तक ए इस बी के साथ या तो हेड और हेड से मिल जाए टेल और टेल से, तो देखो यहाँ पर ए बी डी सी की टेल तो जुड़ी हुई है, तो क्या मैं ए की पैरेलल शिफ्टिंग करके उसकी टेल यहाँ जोड़ सकता हूँ? ए ऐसे है, इसको आगे की तरह शिफ्ट करके इसके साथ टेल जोड़ दी जाए तो जो एंगल्स होंगे मेजर हो जाएंगे। तो देखिए ए को जो यहाँ था इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करी और उसको यहाँ पर मैच करा दिया। देखो इसके और इसके बीच में एंगल क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यहाँ पर टेल जुड़ रही है ए की रिमेनिंग बी डी और सी के साथ। तो हमारा जो रूल है एंगल बिटवीन द वेक्टर इज ऑलवेज बिटवीन आइदर बिटवीन देयर टेल्स और बिटवीन देयर हेड्स, तो ए और बी का एंगल देखना है तो ए और बी की टेल के बीच का एंगल 90 डिग्री, अगर हमें ए और सी के बीच का एंगल देखना है तो ए और सी के बीच की टेल के बीच का एंगल 30 डिग्री, अगर ए और डी के बीच का एंगल देखना है। अच्छा ये चीज़ देखिए ये 60 ये 30, तो ये बचा हुआ लीनियर पेयर से 90 होगा, ठीक है। अगर हमें देखना है ए और डी के बीच का एंगल, तो ए वेक्टर की टेल डी वेक्टर की टेल,
ये दोनों यहाँ पे जुड़ रही हैं, तो इनके बीच का एंगल होना चाहिए 90 प्लस 30, 120 डिग्री। डी और सी के बीच, तो आप इधर पे सभी को देख पा रहे हो, यहाँ ये 90 है। अगर बी और डी के बीच का एंगल हमें मेजर करना हो तो बी की टेल ये है, डी की टेल ये है, दोनों मिल रही हैं, तो इनके बीच का जो एंगल होगा 90 प्लस 60, 150। छोटा सा नोट कि एंगल बिटवीन द वेक्टर इज़ ऑलवेज, ये हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ जरा आप समझिएगा। आपने ऊपर किसी भी केस में एंगल हमने 180 से ज़्यादा नहीं दिया। ज़रा देखें, वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, अगर इधर से नापा जाए रिफ्लेक्स एंगल 30 डिग्री, तो ये दोनों के दोनों ना टेल के बीच के ही एंगल हैं, लेकिन हमें एंगल लेना होगा 60 डिग्री। ठीक है, हम इस केस में वो एंगल मेजर कंसिडर करते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर जो कि 180 से कम हो या फिर कहे जो इन दोनों में से स्मॉलर हो। ठीक है, इसे अब यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, फॉर वेक्टर ए एंड बी देयर टेल्स आर जॉइन एंड वी कैन टेक एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इन दिस केस जो स्मॉलर एंगल है जो कि 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है, उसी को हम एंगल बिटवीन द वेक्टर कंसिडर करेंगे। नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर, हम तीन मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड पढ़ रहे हैं हेड एंड टेल मेथड। जैसे बोला जाए कि ये वेक्टर वन है, इसे वेक्टर टू से ऐड करो, तो बहुत बेसिक सा तरीका है कि फर्स्ट वेक्टर की हेड को सेकंड वेक्टर की टेल से जोड़ दो बाय यूजिंग द मेथड ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग। इसे इसके पैरेलल एक वेक्टर बना दो जो इसके हेड इसका हेड इसके टेल से जुड़ सके। तो यहाँ इसे जोड़ दिया, जैसा कि मैंने नीचे किया है, वन वाले को आगे की तरफ पैरेलल शिफ्ट किया और इसका पहले का हेड दूसरे की टेल से जुड़ गई, हेड एंड टेल मैच कर गए। ठीक है, तो ये जो आखिरी वेक्टर, ये वाली जो एक वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया है, जो फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ेगा, इसे कहा जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या टर्म है, रिजल्टेंट का मतलब है रिजल्ट, आंसर जो है इन दोनों के एडिशन का रिजल्ट क्या है, उसे रिजल्टेंट वेक्टर का टर्म के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देख पा रहे हो थ्री एंड फोर दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो ये वाला जो वेक्टर है पाइथागोरस से निकालोगे तो 5 के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब जैसे दिया है एड दीज टू वैक्टर, 2 मीटर और 3 मीटर के दो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर हैं, इन्हें ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड करने के लिए क्या किया जाए, इस वेक्टर और इन वेक्टर दोनों का एडिशन करना है, तो आप किसी भी एक वेक्टर को क्या है, दूसरे के हेड इसकी टेल दूसरे के हेड से जोड़ दो। तो हम क्या करें, 3 मीटर के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को 3 मीटर के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कुछ इस तरीके से शिफ्ट किया जाए कि ये 2 मीटर के हेड से मैच कर जाए। तो इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, इस वेक्टर को पैरेलली ऐसे यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो 3 मीटर के साथ मैच हो गया। देखो 3 मीटर की टेल 2 मीटर के हेड के साथ मिल रही है, हेड एंड टेल आर जॉइंट। तो ये जो पहले वेक्टर का टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से जो जॉइन करे वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या शो करेगा, एडिशन। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। ऐसा कोई एक ट्रैकिंग का एक एग्जांपल है कि कोई एक माउंटेनियर ऐसे टुवर्ड्स ईस्ट गया, देन साउथ में 3 मीटर्स, देन अगेन टुवर्ड्स ईस्ट, देन अगेन साउथ की तरफ 3 मीटर्स। आपसे पूछा जाए कि इनका एडिशन करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन 4 वेक्टर्स का एडिशन करो। अगर मैं इसे फर्स्ट कहूँ और इसे मैं लास्ट कहूँ, तो फर्स्ट और लास्ट को आप कोई चेंज नहीं करोगे, रिमेनिंग को आप पैरेलल शिफ्टिंग कर दीजिए। ठीक है, वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपस में हेड इसके टेल से जुड़ा हुआ है, इसका हेड इसके टेल से जुड़ा हुआ है, ये वाला रिजल्ट निकाल लीजिए, ये वाला रिजल्ट निकाल लीजिए, दोनों मिलके आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, 3 और 4 का 5, 3 और 4 का पाइथागोरस से 5, 5 प्लस 5 10। एक तरीका ये हो सकता है, मैंने क्या बताया, आपका फर्स्ट वेक्टर और लास्ट वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग ना करो, इन दोनों की पैरेलल शिफ्टिंग कर लीजिए। तो हम ये कर सकते हैं ना कि इस 4 मीटर के वेक्टर को ऐसे यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर लें और ये जो 3 मीटर के वेक्टर को ऐसे यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर लें। समझ पा रहे हो,
3 मीटर के वेक्टर को कुछ इस तरीके से पैरेलल शिफ्ट कर लें तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। 4 + 4 = 8, 3 + 3 = 6, क्या हो रहा है, ये 4, इसके साथ सामने ये 4, दोनों 4 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका एडिशन भी समझिएगा 4 मीटर, और दूसरा पैरेलल शिफ्ट से आया 4 मीटर, तो इसकी हेड और इसकी टेल को जोड़ने वाली ये कॉमन लाइन यही होगी, तो 4 + 4 सीधा जुड़ जाएगा, ठीक है, आपको 8 मिल जाएगा। सिमिलर में 3 + 3 = 6 होगा, तो फर्स्ट वेक्टर जो था उसकी टेल यही थी, लास्ट वेक्टर को भी हमने शिफ्ट नहीं करा, उसकी हेड ये है, दोनों को ज्वाइन करने वाले वेक्टर रिजल्टेंट कहलाएगा। यूज़ द पाइथागोरस यू विल गेट योर आंसर। हेड टेल मेथड जो है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, वो कब लगता है, जब दो वेक्टर्स के बीच में या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, तभी ये लगता है। इवन दो 180 डिग्री भी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में लगेगा, ठीक है, एडिशन के लिए तो 0 और 90 डिग्री का यूज़ होगा। अब अगली टर्म को समझते हैं कि एडिशन ऑफ ए वेक्टर इज़ कम्यूटेटिव और नॉट। मैथ्स में पढ़ा है a + b = b + a, यस एडिशन ऑफ ए वेक्टर इज़ कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसे a b c, इन तीन वेक्टर्स को जोड़ना है, तो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, लास्ट वेक्टर है, देखो ए वेक्टर की एरो बी वेक्टर की टेल से जुड़ रही है, देन बी वेक्टर की हेड सी वेक्टर की टेल से जुड़ रही है, तो आपके फर्स्ट वेक्टर को लास्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर की टेल लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ोगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है।